हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल टेक निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटर का स्पीड जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो वीडियो बहुत ही छोटा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जो हमारी मोटर होती है उसका स्पीड की अगर हम बात करें तो वो दो बातों पर निर्भर करती है। जो पहला बात होता है उसमें उसका फ्रीक्वेंसी होता है, मोटर कितना फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। और उसमें जो दूसरा बात होता है, दूसरा बात वह होता है जैसे कि उसमें पोल की संख्या कितना है। दोस्तों, जो हमारा मोटर को वाइंडिंग करते समय जिस समय हम पोल की संख्या उसमें बनाते हैं, उस बात पर भी फर्क पड़ता है कि उसमें पोल की संख्या कितना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत शॉर्ट में जानेंगे। तो जैसे कि आपको बताते, जो हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, यानी जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, वो 50 हर्ट्ज है। अगर हम वही अलग कंट्री का बात करें तो जैसे हम अमेरिका की बात अगर करें तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज पे ही काम करता है। दोस्तों, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में कितना साइकिल को पूरा करता है, वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अभी हम जाने कि 50 हर्ट्ज है, तो यानी कि इसका मतलब यह होता है कि एक सेकेंड में वह 50 साइकिल को पूरा करता होगा, इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी 50 है। दोस्तों, अभी तक हमने जाने फ्रीक्वेंसी के बारे में, अब जानेंगे पोल की संख्या के बारे में। पोल क्या होता है? दोस्तों, जो हमारे मोटर में वाइंडिंग करते समय जो पोल बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें 4 पोल हैं। इसी प्रकार पोल को काउंट कर दिया जाता है और काउंट करके फिर उसको कैलकुलेट करके स्पीड को निकाल दिया जाता है। अभी तक जो हमने बात की है फ्रीक्वेंसी और जो नंबर ऑफ पोल होते हैं मोटर का, उससे तो बहुत सारे लोगों का भी मन में यह डाउट हो रहा होगा कि क्या इसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका वोल्टेज से भी लेना देना होता है। जैसे कि जिस मोटर का डिजाइनिंग जिस वोल्टेज पर किया जाता है, उसमें उतना वोल्टेज आपका इनपुट जरूरी होता है, तभी आपका मोटर उतना स्पीड से चल पाएगा। तो आशा करते हैं यह बातें आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।